डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, एजिंग के साइन, इन सारी चीजों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ये सनबर्न की वजह से हो सकता है, जिसके वजह से हम धूप में जाना तो बंद नहीं कर सकते, या फिर हो सकता है हमारे एज की वजह से, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और थर्ड रीजन होता है हार्मोनल, हार्मोन्स भी हमारे कंट्रोल में कहाँ होते। सो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगी। तो आज मैं दो रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ, जिसके यूज से आपका डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन और एजिंग के साइन रिड्यूस हो जाएंगे। और मैं अपनी मम्मी के ऊपर ये चीजें अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि उनके फेस में पिगमेंटेशन और एजिंग के साइंस है। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अभी फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सफोलिएट। उसके लिए हमें चाहिए एक पका हुआ पपीता, यानी रिप्ड पपाया, और हनी। हम एक पपाया का स्लाइस ले लेंगे, उसमें हनी डालेंगे और उसको हमारे फुल फेस में अप्लाई करेंगे, जेंटली मसाज करेंगे फॉर 3 to 5 minutes। नाउ पपाया में एंजाइम्स और न्यूट्रिशंस और विटामिन्स मौजूद है, जो हमारे स्किन से पिगमेंटेशन को हटाता है, एजिंग के साइंस को हटाता है। तो इसलिए पका पपीता बहुत अच्छा है हमारे स्किन से डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, एजिंग के साइंस एंड रिंकल को हटाने के लिए। ऑल्सो हनी इज ग्रेट फॉर आवर स्किन, वो डार्क स्पॉट्स के लिए, हमारी स्किन को ब्राइट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप इन दोनों चीज़ों का एक पेस्ट बना के भी अपने फेस में अप्लाई कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप वीक में 3 to 4 days या फिर हर दिन भी अपने क्लीन फेस में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम एक पैक बनाएंगे। इस वाले पैक के लिए हमें चाहिए रॉ मिल्क, यानी कच्चा दूध, और उसमें हम डालेंगे 2 या 1.5 teaspoon ऑफ कोकोनट मिल्क पाउडर। कोकोनट मिल्क की जगह आप सिर्फ अमूल का जो मिल्क पाउडर है उसे भी डाल सकते हो। मिल्क पाउडर या फिर कोकोनट मिल्क पाउडर हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली अगर आपको डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हटाना है ना, सनबर्न वगैरह, और ग्लोइंग और ब्राइट स्किन चाहिए, तो उसके लिए मिल्क पाउडर या फिर कोकोनट मिल्क पाउडर ज़रूर यूज़ कीजिए। चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये हमारा पैक रेडी है। इसे क्लीन फेस में अप्लाई करना है। पैक को सूखने के लिए आप 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, और 10 मिनट बाद अपने फेस को धो लीजिए और पैड ड्राई कर लीजिए, एंड यू विल सी द ग्लो फ्रॉम द फर्स्ट एप्लीकेशन इटसेल्फ। सो गाइज, आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने मम्मी को भी कहा है कि 1 महीने के लिए हर हफ्ते एटलीस्ट 3 से 4 बार इन दोनों ही स्टेप को आप घर में करो, और इन दोनों स्टेप्स के एप्लीकेशन के बाद मेरी माँ के ऊपर क्या रिजल्ट आता है वो मैं आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम में शेयर करूंगी। भी इन दोनों ही नेचुरल रेमेडीज को फॉलो कीजिए अपने घर पे, और मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा आपका रिजल्ट नीचे कमेंट में। मैं बेसब्री से इंतजार करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम में, एशियन ब्यूटी शर्मिष्ठा मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी का भी नाम है। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नीचे वाला सब्सक्राइब बटन जो फ्री है उसको प्रेस कर दो। बाय, स्टे ब्लेस्ड। ये भाई देखो, मेरे को कड़क दिखा, देखो मेरे को, देखो 10 मिनट रख, और वहां पे देखो, स्माइल करो।